राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप सबके लिए एक सुंदर सी प्यारी सी ठाकुर जी की ड्रेस लेकर आई हूँ। आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे जिसमें मैंने टू कलर्स का यूज़ किया है, दैट इज़ येलो कलर एंड डार्क ग्रीन कलर। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डार्क ग्रीन कलर रहेगा, ये मेरा डार्क ग्रीन कलर रहेगा एंड ये मेरा येलो कलर रहेगा। येलो एंड डार्क ग्रीन कलर से हम ये ड्रेस को बनाएंगे, आज बनाना सीखेंगे। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये 5 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस है, आप इसे इसी मेथड को फॉलो करके किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो इस ड्रेस को मैंने बनाया है 2.5 mm के क्रोशेट से। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्रोशेट है 2.50 mm का क्रोशेट है, इससे मैंने इसे बनाया है और इसमें मैंने टू कलर्स का यूज़ किया है और मैंने इसमें यूज़ किए हैं ये पेस्टिंग पर्ल्स। तो फ्रेंड्स चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। और ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, AL पर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी एवरी ड्रेस की वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप मुझे अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 नंबर की चोली जो है वो पहले से बनाकर रखी है और इस 5 नंबर की चोली की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से भी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाकर देखकर इसे बना सकते हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे ड्रेस। देखिए ड्रेस को बनाना स्टार्ट करेंगे। चोली बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 24 स्टिचेज आते हैं, जो 24 चेन स्टिचेज आती हैं। तो अब हमारा जो फर्स्ट राउंड है हम वो स्टार्ट करेंगे घेरे का। उसके लिए हमने यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, सेम इसी चेन स्टिच में जाएंगे जिसमें अभी हमने 3 चेन्स बनाए, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन स्टिच में, देन फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से एक चेन में 2 बार और एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट राउंड है घेरे का ये कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर लास्ट जो हमारा पैटर्न चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फर्स्ट वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया थे, तो लास्ट हमारे पास 1 डबल क्रोशिया से हमने एंड किया है। और अब हमने यहाँ पर जो 1, 2 एंड 3 थर्ड चेन में जाकर इसे स्लिप नॉट से इसे कनेक्ट कर देंगे। हम कनेक्ट करने के बाद हम अपना सेकेंड राउंड जो है वो घेरे का स्टार्ट करेंगे और उसके लिए फिर से हम 3 चेन्स लेंगे। 3 चेन्स हमारा जो है वो 1 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद लूप लेंगे एंड नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार फिर से हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से लूप लेंगे एंड जो ये हमारा एक सिंगल डबल क्रोशिया है जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया पिछले राउंड में बनाया था, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के नीचे हमने दोनों चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। और जब हमारा यहाँ पर एक सिंगल डबल क्रोशिया आएगा इसमें हम यहाँ पर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड का हमारा ये पैटर्न रहेगा, इसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया और फिर दोबारा एक बार और डबल क्रोशिया बनाया, फिर लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया। तो इस राउंड का हमारा पैटर्न रहेगा 2 टाइम्स हमें डबल क्रोशिया एक एक बार बनाना है और थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया 2 टाइम्स बनाना है। तो 1 1 2 1 1 2 ये पैटर्न हमारा रहेगा। और आपने कैसे बनाना है ये देखिए, जब हमारा 2 टाइम्स डबल क्रोशिया ऊपर है, जहाँ पर हमने जिस चेन में हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमारा 1 डबल क्रोशिया है उसके नीचे आपने 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये पैटर्न रहेगा सेकेंड राउंड का। तो हम ये सेकेंड राउंड इसी पैटर्न से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। राउंड के एंड में आने के बाद हमने अपना जो 1, 2 एंड 3 थर्ड चेन में जाके इसे स्लिप नॉट से हम कनेक्ट कर देंगे और अपना जो है थर्ड राउंड वो है स्टार्ट करेंगे। इसे स्लिप नॉट से हमने कनेक्ट किया,
और थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए फिर से 1, 2 एंड 3 थ्री चेन्स ली, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, लूप लेके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर हम 2 times डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब इस राउंड का पैटर्न हमारा क्या रहेगा, 3 times सिंगल टाइम बनाने हैं, 3 times हमें 1, 2 एंड 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाने हैं, और 4 times हमें एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, और जो हमारा ये ऊपर वाले 2 double crochets हैं उसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के नीचे वाली चेन में हमें 2 times डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक बार फिर से देखिए, नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी 1 बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, तो ये 3 times हो गए, और 4 times जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 chain में, उसमें हमें 2 times डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो करेंगे, 3 times 1 डबल क्रोशिया एंड 4th वाले चेन में 2 times डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपना ये वाला राउंड जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं, और ये हमारा 3rd round जो है घेरे का, इसे ये भी बनकर कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद जैसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करते थे, इसी तरह से हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे, 3rd chain stitch में जाएंगे और इसे स्लिप नॉट से जाकर ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के से पहले मेरे लूप में जब 2 chains रह जाएंगे, देखिए 2 chains रह जाएंगे, तो हम यहाँ पर अपना 2nd color जो है उसे ज्वाइन कर लेंगे। अभी मैं येलो कलर को नीचे छोड़ दूंगी, और मैं अपना नेक्स्ट कलर, चूंकि मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर कट करके 2nd color को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा लिया है ग्रीन कलर में, और मैं यहाँ से इन दोनों चेन्स के अंदर से इसे निकाल दूंगी और पीछे से अपने येलो कलर को पुल कर दूंगी। मेरा ग्रीन कलर यहाँ ज्वाइन हो गया है। अब यहाँ पर मैं 2 chains बनाऊंगी, 1 एंड 2। 2 chains बनाने के बाद जो ये टेल है इसे मैं साथ साथ एडजस्ट कर दूंगी अंदर की तरफ, ताकि ये बाहर दिखे नहीं, बुरी नहीं लगे। और लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, और एक बार हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से लूप लेके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे। जब हम 5th chain stitch में जा रहे हैं, तब हमें 2 times हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इसी सेम चेन स्टिच में। तो देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न जो हम नीचे बना रहे थे उसमें हमें हम 3 times जो है डबल क्रोशिया बनाते थे, और 4th chain में 2 times डबल क्रोशिया बनाते थे। और अभी हमारा जो नेक्स्ट राउंड है इसमें हमने कैसे कर रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 4 times हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एंड 5th chain में जाके हमने 2 times हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो जो 1st round था हमारा, वहाँ पर 1 chain था, फिर हमारे 2 times हुए डबल क्रोशिया, फिर हमारे 3rd round में 3 times हुए, एंड 4th round में हमारे पास बस चेंज कितना क्या किया हमने, पैटर्न सेम है, चेंज सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रहे थे, और जो ग्रीन कलर का राउंड है वो हम हाफ डबल क्रोशिया से बना रहे हैं। तो बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा। अभी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, 4 times हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, नेक्स्ट चेन में एक बार फिर से 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, 5th chain में जब हम जाएंगे तो हमें 2 times डबल क्रोश हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया से ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम, ग्रीन वाला अपना। ये 4th round होगा हमारा ड्रेस। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं। राउंड के एंड में आने के बाद ये ग्रीन कलर से मैंने अपना राउंड कंप्लीट किया, और यहाँ पर जो 2 chains बनाई थी उसकी जो ऊपर वाली सबसे पहले वाली ऊपर की चेन है उसमें जाकर इसे स्लिप नॉट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हम अपना ग्रीन कलर चेंज कर लेंगे और अपना येलो कलर जो है उसे पिक कर लेंगे। येलो कलर को पिक करने के बाद इस चेन में से इसे निकालेंगे। येलो कलर हमारे हुक में आ गया है। अब हम अपनी जो वर्क है नेक्स्ट जो है वो अपना येलो कलर से करेंगे। तो अब यहाँ पर हम 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, इसी सेम चेन स्टिच में जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं इसी में वापस जाएंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे,
वन हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर से सेम चेन स्टिच में जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं इसी में वापस जाएंगे लूप लेके और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेके इसी चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशियाज हैं, 2 डबल क्रोशियाज इधर, 2 इधर और बीच में एक चेन हमने यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशियाज, 1 चेन, 2 डबल क्रोशियाज बन गए। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे, लूप लेंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे हमें 2 चेन्स को स्किप करना है। फर्स्ट चेन स्टिच में हमने वर्क किया, सेकेंड एंड थर्ड को हम स्किप करके 4 चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया। फिर से लूप लेंगे, इसी चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, चेन 1, सेम चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, इसी में फिर से एक बार और डबल क्रोशिया एंड चेन 1। तो फिर से हमने 4 टाइम्स डबल क्रोशियाज बनाए और बीच में एक चेन बनाया, 2 डबल क्रोशियाज चेन 1, 2 डबल क्रोशियाज चेन 1। और उसके बाद लूप लेंगे और 1 एंड 2 चेन्स को स्किप करके थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशियाज, सेम चेन स्टिच में चेन 1, फिर से 2 डबल क्रोशियाज इसी सेम चेन स्टिच में जाएंगे एंड चेन 1। फिर से 1 एंड 2 को स्किप करेंगे, थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे लूप लेके एंड फिर से 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर 2 टाइम्स अगेन डबल क्रोशिया और फिर से हम एक चेन बनाएंगे और फिर 1 एंड 2 को स्किप करके थर्ड में जाएंगे और फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करके हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये येलो वाला जो राउंड था ये कंप्लीट हो गया और कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट वाले अपने इस पे आ गई। देखिए 4 यहाँ पर मैंने बना लिए, 2 इधर 2 इधर और बीच में एक चेन और ऊपर एक चेन। अब हम इसे यहाँ पर 1, 2 एंड 3 थर्ड चेन में जाके स्लिप नॉट से कनेक्ट कर देंगे। थर्ड चेन में जाएंगे, इसे स्लिप नॉट से हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक स्लिप नॉट से, स्लिप नॉट से हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार और स्लिप नॉट बना के हम यहाँ चेन 1 वाले स्पेस में आ जाएंगे। चेन 1 वाले स्पेस में हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाकर लूप लेंगे और इसी चेन 1 वाले स्पेस में हमें वर्क करना है। अब इसलिए हम स्लिप नॉट से बनाते हुए दोनों चेन्स में अपने इस चेन 1 वाले स्पेस में आ गए हैं। इस चेन 1 वाले स्पेस में हम फिर से यही सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। 3 चेन्स हमारी बन गई हैं, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। एक डबल क्रोशिया मैंने और बना लिया है। अब हम चेन 1 बनाएंगे और फिर से इसके अंदर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन 1 वाले स्पेस के अंदर और फिर एक चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने नीचे 4 डबल क्रोशियाज बनाए थे, इसके जस्ट ऊपर हमने फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोशिया बना लिए। बस हमने इसके जो चेन 1 वाला स्पेस है हमने इसके अंदर वर्क किया है। अब हम फिर से लूप लेंगे और सीधा इस चेन 1 वाले नेक्स्ट जो ये हमारा ट्रायंगल है इसके चेन 1 वाले स्पेस में चले जाएंगे और यहाँ पर भी जाकर 4 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे। 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, चेन 1 और फिर से 2 टाइम्स डबल क्रोशिया एंड फिर से चेन 1। फिर से लूप लेंगे एंड नेक्स्ट चेन नेक्स्ट अपने ट्राइंगल नेक्स्ट ट्राइंगल के सेंटर में जो ये हमारा चेन 1 वाला स्पेस है इसमें चले जाएंगे और फिर से यहाँ पर सेम प्रोसीजर से 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, चेन 1 एंड 2 टाइम्स डबल क्रोशिया और एंड चेन 1। इसी तरह से करते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर जब हम अपना थर्ड राउंड इसी डिज़ाइन का बनाएंगे तो वो भी सेम बनाएंगे। इसी के ऊपर हम फिर से सेम ट्राइंगल के ऊपर फिर से हम ट्राइंगल बनाएंगे। लाइक यहाँ पर हम कंप्लीट करके इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और उसके बाद स्लिप नॉट से हम अपने चेन 1 वाले स्पेस में आएंगे और चेन 1 वाले स्पेस में आके फिर से 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, चेन 1, 2 टाइम्स डबल क्रोशिया,
देन चेन वन और फिर नेक्स्ट ट्राइंगल में आएंगे। तो इसी तरह से हम अपना ये सेकेंड एंड थर्ड दोनों राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 राउंड्स जो हैं वो कम्प्लीट कर लिए हैं अपने डिज़ाइन के। 2 राउंड्स जो हैं ये तीनों राउंड जो हैं वो ये तीनों राउंड सेम बने हैं। अब हम अपना जो है 4th राउंड बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं एंड में आ गई थी और यहाँ पर आकर मैं इसे 1, 2 और 3 थर्ड चेन में स्लिप नॉट से कनेक्ट करूँगी सबसे पहले, और स्लिप नॉट करते हुए इस सेंटर में आऊँगी जैसे मैं हमेशा कर रही हूँ। पहले फर्स्ट चेन में स्लिप नॉट किया और फिर इस 1 चेन वाले स्पेस में आके स्लिप नॉट किया, इसमें मैं आ गई हूँ। देखिए अब यहाँ पर पहले हम 4 डबल क्रोशिया बना रहे थे, उसकी कली बन रही थी हमारी। अब हम यहाँ पर 6 टाइम्स डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। तो 3 टाइम्स डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 3 चेन्स, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन वन, फिर इसी सेम चेन वन वाले स्पेस में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया इधर फिर से बनाएंगे। देन चेन वन, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट कली के 4 वाले इसमें चेन वन वाले स्पेस में जाएंगे और फिर से यहाँ पर 6 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 टाइम्स बनाएंगे, फिर चेन वन बनाएंगे एंड फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे और फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल पे आ जाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 6 टाइम्स इसमें डबल क्रोशिया हमें बनाना है, 3 टाइम्स बनाकर चेन 1 बनानी है, फिर से 3 टाइम्स हमने सेम चेन स्पेस में बनाना है और एक चेन बनानी है। तो इसी तरह से देखिए ये जो हमारी कली है वो कुछ इस तरह से बढ़ रही है। तो हम इसी तरह से ही अपना पूरा राउंड 4th कंप्लीट करेंगे और अपने 6th राउंड को भी हमें 6 टाइम्स कली बनाकर कंप्लीट करना है। तो अभी हम यहाँ पर 4th एंड 5th 2 राउंड्स जो हैं वो 6 टाइम डबल क्रोशिया, बीच 3 टाइम्स इधर 3 टाइम्स इधर, बीच में एक चेन और इधर एक चेन बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और 6th राउंड को भी हम सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 राउंड्स बनाने के बाद हम आपको मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो ये राउंड थे 2 राउंड्स जो मैं बना रही थी 6 डबल क्रोशिया वाली कली के, दोनों मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और मेरा घेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं अपना आपको जो है घेरा जो है वो साइज में इंचेस में मेजर करके बता देती हूँ कि मेरा घेरा कितना बना है। और मैं 5 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बना रही हूँ तो मुझे 10 इंचेस का घेरा चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ये जो घेरा है 9.5 का, मेरे पास ये घेरा रेडी हो गया है। और जो मैं अभी अपने डिज़ाइन की एक रो और बनाऊंगी उससे मेरा जो ड्रेस का घेरा है वो पूरा 10 इंचेस का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक राउंड और भी बना सकते हैं येलो कलर से, और येलो कलर से जो आप एक राउंड और बनाएंगे उसमें आपने कोई भी बीच में चेन नहीं बनानी है, डायरेक्टली आपने 7 डबल क्रोशियाज बना लेने हैं, 6 के ऊपर 6 और जो एक चेन है हमारी ये सिंगल उसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया। तो जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा वो जो लोग भी नेक्स्ट राउंड बनाना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, मैं अपनी ड्रेस में नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतना घेरा इनफ है। और तो इसलिए नेक्स्ट राउंड अगर कोई बनाना चाहता है तो वो नेक्स्ट राउंड में बिना किसी चेन के चेन लिए हुए 6 डबल क्रोशियाज के ऊपर 6 और एक जो चेन हम सेंटर में बना रहे थे उन सेंटर में जो चेन है उस चेन पे भी आप डबल क्रोशिया बनाकर 7 डबल क्रोशिया से अपना ये नेक्स्ट राउंड बना सकते हैं और बाकी सेम एज इट इज राउंड बनेगा। और उसके बाद अब जो मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी ग्रीन कलर से वो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पर मेरा जो है येलो कलर का वर्क जो है वो फिनिश हो गया, तो येलो कलर को मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ। ये मेरा येलो कलर यहाँ कट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट कलर जो है वो ज्वाइन करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट कलर है वो यही ग्रीन कलर है जिससे पहले मैंने ये ग्रुप बनाई थी। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशंस चूज कर सकते हैं, ड्रेस बनने के बाद बहुत ही प्रिटी लगेगी। आप येलो डार्क के साथ व्हाइट ले सकते हैं, पिंक के साथ व्हाइट ले सकते हैं, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने येलो कलर को कट किया, मैं पहले सबसे पहले तो ग्रीन कलर को वहाँ पर एक क्रॉशिक में नॉट लगाकर इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लूंगी।
देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा चेन स्टिच है उसमें हम ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया से मैंने इसे ज्वाइन किया, चेन वन बनाई एंड ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे हम, एक बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, फोर हम चेन्स बनाएंगे और इसी सेम चेन स्टिच में दोबारा से जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट जो ये हमारा चेन स्टिच आता है, जिस जो हमारा ये वन चेन वाला स्पेस था, इसमें जाएंगे। यहाँ पर भी वन सिंगल क्रोशिया, फोर चेन्स और सेम स्पेस में जाएंगे, एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, फोर चेन्स एंड इसी सेम चेन स्टिच में जाके एक बार और सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे। और ये हमारा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये वन टू एंड थ्री, थ्री टाइम्स हमारे ये फुल टाइप में ये बन गए, फोर टाइम चेन्स वाले। और सबसे पहले वाले में मैंने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो एक सबसे पहला और एक सबसे लास्ट जो हमारा चेन स्टिच है हम इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एंड फर्स्ट में हम जो है सिंगल क्रोशिया के बाद फोर चेन्स नहीं बनाते हैं, जो बीच के थ्री हैं हमारे इनके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया, फोर चेन्स, सिंगल क्रोशिया सेम चेन स्टिच में बनाना है। और ये दोनों हमारे जो फर्स्ट एंड लास्ट होंगे ये दोनों हमारे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर चेन्स, इसी सेम चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में भी हमने टू टाइम सिंगल क्रोशिया और बीच में फोर चेन्स बनाए, और उससे नेक्स्ट में भी हमने यही सेम सिंगल क्रोशिया, फोर चेन्स, सिंगल क्रोशिया बनाया, और सबसे लास्ट वाली चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये बनाने के बाद हमें क्या करना है, टू चेन्स लेंगे। टू चेन्स लेने के बाद देखिए जो हमारी ये कली की ऊपर वाली कली है, जो हमारी लास्ट वाली रो की ऊपर वाली रो है, इसके अंदर जो हमने सिक्स टाइम्स डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके जो सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में हम जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देन टू चेन्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ऊपर वाले में जाएंगे, सबसे लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, टू चेन्स, फिर उससे ऊपर वाले में जाएंगे, लास्ट वाले स्टिच में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टू चेन्स बनाएंगे, फिर उससे सबसे जो हमारा ऊपर से पहला राउंड था डिज़ाइन का उसमें आ जाएंगे, उसके सबसे लास्ट वाले स्टिच में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, टू चेन्स। अब देखिए इसके बाद हमारा डिज़ाइन नहीं है, ऊपर जो है हमारी ग्रीन वाली रो के हमने बीच में टू चेन्स को स्किप किया था, जो इसका फर्स्ट वाला चेन है हम इसमें जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम अपने इसके ही साथ जो हमने चेन स्टिच एक और स्किप किया था, ये टू चेन्स थे, तो पहले वाले में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया, दूसरे वाले में भी मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं यहाँ टू चेन्स लूंगी एंड अपने वर्क को ऐसे टर्न कर दूंगी ताकि मैं इजीली जैसे मैं ऊपर आई हूँ वैसे मैं नीचे जा सकूँ। तो अब देखिए जो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर आए थे, अब ऊपर से हम नीचे जाएंगे, तो जो फर्स्ट वाला हमारा घेरे का डिज़ाइन का रो है इसकी जो सबसे पहले वाला स्टिच है हम इसके अंदर जाएंगे चेन स्टिच में, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टू चेन्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट नीचे वाले में जाएंगे, पहले वाले में सिंगल क्रोशिया, टू चेन्स, इसके बाद इसके नीचे वाले में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, टू चेन्स, उसके बाद सेकेंड लास्ट वाले में जाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया, ये टू चेन्स, और फिर उसके बाद हम अपने लास्ट वाले में जाएंगे, सबसे लास्ट जो घेरे का है इसमें हम जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर जाके हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर टू चेन्स को नहीं बनाना है, उसके बाद हम अपना वर्क जैसे हमने यहाँ पर वर्क किया था उसी तरह से दोबारा यहाँ पर वर्क करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स बनाएंगे, इसी सेम चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, वन टू थ्री फोर सिंगल क्रोशिया, फोर चेन्स,
सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन्स सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 4 चेन्स सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे पास 6-7 स्टिचेज हैं, इसमें हमें इसी तरह से करना है। देखिए अब लास्ट स्टिच में आ जाएंगे, लास्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 हमारे स्टिचेज हो जाएंगे, और सबसे पहले वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था और सबसे लास्ट वाले में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये डिज़ाइन हमें बीच के स्टिचेस के अंदर बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे और अपने वर्क को ऊपर की साइड लेके जाएंगे। तो देखिए जो ऊपर वाला जो हमारा डिज़ाइन का ऊपर वाला रो है, इसके सबसे लास्ट वाले स्टिच में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन्स, इससे ऊपर वाले में जाएंगे लास्ट वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, इससे ऊपर वाले में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, इससे ऊपर वाले में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स। 2 चेन्स बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हम ऊपर आ गए, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर की 2 चेन्स हैं। इन दोनों के अंदर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले फर्स्ट चेन में एंड देन सेकेंड चेन में, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरह से पकड़ेंगे। और अब हम नीचे की साइड जाएंगे, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट चेन में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, उससे नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, उससे नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, और सबसे लास्ट वाले में जाके इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद हम अपना जैसे हम पीछे डिज़ाइन बना रहे थे ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हमारे डिज़ाइन के साथ हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर नीचे की साइड और अपनी सारी कलियों में ऐसे 2 साइड बॉर्डरिंग करेंगे सेकेंड कलर के साथ। तो देखिए ये ड्रेस हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी, तो इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, इसे यहाँ पर आकर ज्वाइन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो ये ग्रीन कलर से वर्क कर रहे थे हम बॉर्डरिंग का, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर लास्ट में ये वाली रो कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने 2 चेन्स बना लिए। और 2 चेन्स बनाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट क्रोशिया था सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन जो इसकी थी, इसमें जाकर इसे हम स्लिप नॉट से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके हम इसे यहाँ पर नॉट लगाकर कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो ड्रेस है ये कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर अपनी जो ये ड्रेस है इसमें बॉर्डर करेंगे, और जो बॉर्डर है वो इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें पूरा और इसकी जो बॉर्डर है वो भी बनाना सीखें। तो बॉर्डर हम ग्रीन कलर से ही बना रहे हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स पे बॉर्डर बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं स्लीव्स का बॉर्डर बनाना चाहती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करेंगे जैसे हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं, हुक डाला, सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट किया, चेन वन लिया, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है वो मैंने सिंगल क्रोशियाज बना लिए हैं। आप देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो आर्म होल है कुछ इस तरह से है। तो 5 सिंगल क्रोशियाज बनाने के बाद 6 वाले में हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 एंड 4, 4 चेन्स एंड सिंगल क्रोशिया। 6 वाले में सेम में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम नीचे अपनी ड्रेस में बना रहे थे बॉर्डरिंग में, तो वही चीज़ हम अपनी स्लीव्स में कर रहे हैं, पर पूरी स्लीव्स में हम नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया, 4 चेन्स,
एंड सिंगल क्रोशिया इसी सेम चेन स्टिच में. नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन्स एंड एक बार सिंगल क्रोशिया फिर से. बस ये 3 टाइम्स हमें इस तरह से करना था. उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया करते हुए वापस नीचे आएंगे. एवरी चेन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे. आप चाहें तो इसे 4 टाइम्स भी कर सकते हैं और 5 टाइम्स भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से पूरी स्लीव्स पे हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करके नीचे की साइड आ जाएंगे. और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करने के बाद ये मैंने यहाँ कनेक्ट किया और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर जाके इसे एक स्लिप नॉट से इसे कनेक्ट कर दिया. और यहाँ पर मेरी जो स्लीव्स का बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया और हम इसे कट कर देंगे. तो ये देखिए, तो मेरी स्लीव्स है, इसके ऊपर ऐसा कुछ ये पफ सा बन गया है. देखिए ये डिज़ाइन बन गया. तो मेरी जो स्लीव्स है वो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है. आप चाहें तो इसे बनाएं. अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसे सिंपल स्लीव्स पे सिंपल बॉर्डर भी कर सकते हैं. इसी तरह से बॉर्डर मैं यहाँ पर भी कर लूँगी और जो मैं अपनी नेक पे बॉर्डर करूँगी. देखिए यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट करेंगे हम इस वाली साइड से और सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएंगे. जब हम इधर आ जाएंगे इस वाली रो में तो हम यहाँ पर फिर से 2-3 स्टिचेस को छोड़ के सेंटर में 3 टाइम्स इसी तरह से ये वाला सिंगल क्रोशिया 4 चेन सिंगल क्रोशिया वाला बॉर्डर करेंगे 3 टाइम्स और फिर नीचे सिंगल क्रोशिया से आएंगे. तो यहाँ पर भी ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा. तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो ये ड्रेस है इसका बॉर्डर मैंने बना लिया. बॉर्डर के ऊपर मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स ये पर्ल वाला डिज़ाइन बनाया था जो 4 चेन्स वाला था. ये मैंने 2 टाइम्स बना के उसके ऊपर 2 पर्ल्स पेस्ट कर दिए. अब देखिए मैंने यहाँ पर सब पूरे घेरे में एक एक पर्ल को पेस्ट कर दिया. आप चाहें तो यहाँ पर एवरी कली में एक एक पर्ल को पेस्ट कर सकते हैं. डिज़ाइन और डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है. कलर कॉम्बिनेशन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है. आप अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनाइए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि ड्रेस आपको कैसी लगी और नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए आप क्या चाहते हैं. और मेरी जो भी आपको कमियां लगती हैं वो भी प्लीज़ आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें. चलिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने में आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर. मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पर आप मुझसे अपनी पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक न्यू ड्रेस के साथ मिलेंगे. तब तक आप लोग खुश रहिए, ड्रेस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए. चलिए, राधे राधे फ्रेंड्स.